सिंगरौली में चतुर्मास का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें अखिल भारतीय स्तर के 500 संत महात्मा आएंगे। इसके साथ ही राम कथा का भी आयोजन होगा। कार्यक्रमों का उद्देश्य है कि समाज में एकता बनी रहे। सिंगरौली में प्रारंभ होने वाले चतुर्मास और राम कथा का भव्य ध्वजारोहण हुआ। समाज सेवी सज्जन अग्रवाल ने बताया कि ऐसा भव्य आयोजन सिंगरौली में पहली बार होने जा रहा है, जिसमें अखिल महासंघ के संत महात्मा शामिल होंगे और मिलकर पूजा अर्चना करेंगे। समाज सेवी संजीव अग्रवाल ने कहा कि सिंगरौली में सभी धर्म और संप्रदाय को लेकर आपस में टकराव ना हो, सब एक दूसरे से मिलकर रहें, इसलिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह एक शोभा यात्रा है, चतुर्मास का कार्यक्रम अपने सिंगरौली जिले में प्रथम बार यहाँ पर होने जा रहा है, जिसमें कि अखिल भारतीय स्तर के लगभग 500 संत महासंत यहाँ पर आएंगे और राम कथा होगी, राम यज्ञ होगा और एक बड़ा भव्य कार्यक्रम स्थानीय अपने अंचल बाउंड्री में होगा यह कार्यक्रम। और आज इसका ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, जिसमें हम सब सनातन धर्म के लोग ध्वजारोहण के कार्यक्रम में जा रहे हैं और पूरे सिंगरौली वासियों के उत्थान के लिए, सिंगरौली वासियों के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, यहाँ हो रही दुर्घटनाओं को खत्म करने के लिए यह यज्ञ किया जा रहा है। पूरे सिंगरौली का उत्थान उद्देश्य क्या, इसका उद्देश्य यही है कि सिंगरौली का उत्थान हो, सिंगरौली में धर्म और संप्रदाय का आपस में कहीं जुड़ाव ना हो, एक दूसरे से मिल करके सब समाज के साथ होकर के समाज के लिए काम करें और इस सिंगरौली का उत्थान। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।